जैसा कि देख सकते हो ये गढ़खेले में हम आ चुके हैं। तो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जाने वाले हैं गढ़खेलेवा रायपुर छत्तीसगढ़ी जिसे को टेस्ट करने के लिए। तो बहुत जल्दी निकलने वाले, अभी हो रहे हैं 12:30 सुबह के, जब निकलते हैं। तो अब हम निकल चुके हैं गढ़खेलेवा के लिए, जल्दी पहुंच जाएंगे। जिस तक हमारे साथ 3 लोग हैं, हम जल्दी करते हैं। हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास नहीं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं गरीब हूँ। तो जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस पड़ा हुआ है और ये सिग्नल पे है, इसलिए मुझे उतरना पड़ा हम सिंपल सवारी से। तो ये रहे मेरे दोस्त, तो हम जा रहे हैं आगे। तो जैसा कि देख सकते हो हम आज भी गढ़खेलेवा। तो ये यहाँ का गेट है, तो ये सभी कड़ी डिशों के लिए बहुत फेमस है। तो आप कभी भी आएंगे तो यहाँ खाना ना भूलना। जैसा कि देख सकते हो ये मेन्यू है, ये आपको यहाँ आके यहाँ टोकन लेना पड़ेगा, और ये भी है जो टोकन लेते हैं। ये हमारा बिल ठीक है, इमली है, इमली आटा इसको दे दे। तो ये हमारा इमली, इसे हम खाएंगे खाने के बाद। फरा और बड़ा आ चुका है। तो बड़ा जो कि है उड़द दाल का, अच्छे से देख सकते हो, और ये फरा चावल से बनता है। तो इसे हम टेस्ट करते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। अब आप अगर यहाँ आए तो ज़रूर खाएं इसको, बस यही ओपिनियन है मेरी। मेरा ओपिनियन अभी तक आया नहीं है, सोचने दो, आएगा भी नहीं। गजब बेइज्जती है। तो जैसे कि देख सकते हो ये है भोजनालय का थाली। अच्छे से देखिए मेन्यू को, देख सकते हो हमारा साबुन देने के बड़े, वो कितना बड़ा साइज में और बहुत टेस्टी भी होता है ये। तो आगे चलते हैं। तो जैसे कि ये साबुन का बड़ा है, और ये राज चटनी जो कि हाथ से बनता है पीस के, और इसे हम खाने वाले हैं। ये बहुत ही क्रंची और बहुत टेस्टी है, ये उपवास में भी काम आता है। एक हफ्सी ने इसको खा के चल दिया है, अभी 3 प्लेट बचा है इसमें, ये भुक्खड़ खा रहे हैं। और ये ट्री हाउस मेरे बाजू में, और हमने अभी फरा खाया और बहुत सारी चीज़ें खाए चीजी वाले। तो हम जा रहे हैं अभी चीला लेने हम दोनों, और हमारा चिल्ला थोड़ी देर में बनने वाला था, तो हम जा रहे हैं भैया के पास, देखते हैं बन गया होगा या नहीं। तो यहाँ देखो हमारा चिल्ला बन रहा है,
तो ये देख सकते हो हमारा चीना हमारे हाथ में और हम चल रहे चटनी करने के लिए। तो ये हमारा चूल्हा और यहाँ हम रखते हैं, तो चलो इसको खा के देखते हैं। ये रहीस के ज़्यादा ये खाए नहीं है और चूल्हा लेके आए हैं। अरे वो खाएंगे उसे, हम खाएंगे, फेंकेंगे नहीं, पैक करा के घर ले आएंगे। चटनी एक ही ले रहे हैं क्योंकि हमें ये अच्छा लगा। हाँ, ये थोड़ा अच्छा है, मीडियम है, तीखा भी नहीं है और टमाटर का है वो भी स्वीट बच्चे से पिसा हुआ, पर देसी है, देसी ज़रूर खाइए इसको। तो हमारा सब कुछ खा कर हो चुका और हमने ये इमली लिया था, तो इसे हम टेस्ट करने वाले हैं। ओहो, देख सकते हो पूरे इमली से भरा हुआ है। भाई पूरा लाटा है, बेहतरीन। इसमें इमली में नमक मिर्च चढ़ा हुआ है, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलते हैं भाई। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। तो बाय।